आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या वैरायटीज होती हैं और फिर हम उनको किस तरह से इजीली स्टडी कर सकते हैं, यानी ओवरऑल हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बायोडाइवर्सिटी को हम अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हम ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से पूरे प्लेनेट के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हमें पता है कि अर्थ के ऊपर अभी तक जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए हैं, उसके अंदर तकरीबन 1.5 मिलियन एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं, 1.5 मिलियन एनिमल्स। और इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 0.5 मिलियन प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जो कि नोन है आजकल की वर्ल्ड में। 1.5 मिलियन मीन्स कितने? ये तकरीबन हमारे पास 15 लाख बन जाते हैं, 1500,000। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास 5 लाख जो है वो प्लांट्स की किस्में हैं जिनको हम जानते हैं। अब अगर हम इतने बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो इनको पढ़ना हमारे लिए वाकईतन एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम एक एक करके हर किस्म को, हर टाइप को पढ़ने लगे एनिमल्स की टाइप में, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसी तरह बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हमारे पास व्हेल्स हैं, हमारे पास जिराफ है, एलिफेंट है, तो एक पूरी डाइवर्स कैटेगरी को स्टडी किस तरह से करना है, इसके लिए हम एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं। और उस साइंटिफिक मेथड को हम कहते हैं, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन। हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ताकि हम उनको ईजिली पढ़ सकें और फिर हम उनको ईजिली रिलेट कर सकें, हम उनका आपस में रिलेशनशिप बना सकें, ताकि हम मज़ीद जान सकें और उन जैसे मज़ीद ऑर्गेनिजम्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल हमारे पास यहाँ ये उठता है कि ये जो हमने नाम लिया है क्लासिफिकेशन, ये जो हमने क्लासिफिकेशन का जिक्र किया है, तो क्लासिफिकेशन की कैसे जाती है? अब डिफरेंट तरह से ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की तो हम डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम उसको कलर्स की बेसिस पे अलग कर दें, जितने भी फूल हैं हमारे पास रेड हैं और हमारे पास पिंक हैं, वाइट हैं, डिफरेंट तरह के ऑरेंज फ्लावर्स हैं, हम तमाम फ्लावर्स को उनके कलर्स की बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज बना दें। सिमिलरली अगर हम हाइट को देखते हैं, कुछ हमारे पास छोटे पौधे आते हैं, कुछ हमारे पास दरमियाने आते हैं, कुछ बड़े आते हैं, तो हम हाइट को एक कैरेक्टरिस्टिक रख के हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस किस्म की क्लासिफिकेशन करने लगेंगे तो हमारे लिए लेटर ऑन बाद में जाके प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, हमारे लिए इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अब क्या ऐसी चीज़ होगी जिसको हम बेसिस बनाएं और उसके मुताबिक डिफरेंट चीज़ों को क्लासिफाई करें, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं? इस प्रॉब्लम को बायोलॉजिस्ट ने इस तरह से सॉल्व किया है कि उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो कि सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उनकी होमोलोगिस का मतलब है कि वो एक जैसे हैं, वो स्ट्रक्चरली भी हो सकते हैं, वो फंक्शनली भी हो सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने उनके कंपैरेटिव बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया है, उनके अंदर पाए जाने वाले तमाम केमिकल्स को, बायोकेमिकल्स को। उसके बाद साइटोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, हम साइटोलॉजी और हम जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। और इन तमाम चीज़ों को बेस बना के हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाता है, हम रोज़ की एग्जांपल लेते हैं, रोज़ जो हमारे पास गुलाब का फूल है, हम देखेंगे कि गुलाब के फूल जैसी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होमोलोगी में उनके साथ मिलती जुलती हों, स्ट्रक्चरली उसके साथ सेम हों। या फिर हम देखेंगे कि
बायोकेमिकली इस जैसे और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो तमाम कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे तमाम कौन से पौधे हैं जो कि रोज़ ग्रुप के अंदर, गुलाब के फूल के अंदर आ सकते हैं। हम साइटोलॉजी देखेंगे, हम उसके सेल को देखेंगे, उसके बाद हम जेनेटिक्स को देखेंगे, जेनेटिकली हम जीन्स देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखते हैं, हम जेनेटिक मेकअप देखते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स किस तरह से प्रेजेंट है, उनका क्या सीक्वेंस है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक ग्रुप पे पहुंच जाते हैं, एक क्लोजली रिलेटेड ग्रुप के ऊपर, जिसे हम नाम देते हैं एक स्पीशी का। यानी स्पीशी इन अदर वर्ड्स क्या होगी, स्पीशी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो कि एक दूसरे से इंतहाई ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, वो सब के सब इकट्ठे प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें स्पीशी की, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीशी एक ऐसा ग्रुप है जो कि नेचर के अंदर फ्रीली इंटरब्रीड कर सके और उनसे हमारे पास फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बन सकें। इनको हम डिटेल में देखते हैं, इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है, इंटरब्रीड का क्या मतलब है। इंटरब्रीड का मतलब यह है कि उनके जो जीन्स हैं वो आपस में कंबाइन कर सकें, यानी कि एक नया इंडिविजुअल बन सके। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पीशी है स्पीशी ए, और एक और स्पीशी आपके पास स्पीशी बी। या हम ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है ए, और दूसरा आपके पास एक और ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म बी। अब ये ऑर्गेनिज्म ए और बी आपस में कंबाइन करें, या फिर इनके जो जीन्स हैं वो आपस में कंबाइन करके एक नया इंडिविजुअल सी बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इंटर ब्रीड कर रहे हैं, ये आपस में इनकी मेटिंग हो रही है, इनके जो जीन्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मेल है तो इसके स्पर्म होंगे, और ये अगर फीमेल है तो इसके एग्स होंगे, ये आपस में कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें। और फिर हम अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी के साथ कंबाइन किया, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, इन दोनों के जो एक नया इंडिविजुअल बनेगा, जो कि हमने इस स्टेज पे लिखा कि सी एक नया इंडिविजुअल बना है, वो इंडिविजुअल इसके अंदर ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो मज़ीद रिप्रोड्यूस कर सके, या फिर रिप्रोड्यूस कर सके, यानी कि वो फर्टाइल हो। अगर ये जो ऑर्गेनिज्म सी है, अगर ये फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब है कि मज़ीद रिप्रोड्यूस कर सके, इससे इसकी नेक्स्ट जनरेशन बन सकें, तो ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं कि वो सब के सब एक स्पीशी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि स्पीशी का मतलब क्या है, हम ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एक ही स्पीशी के अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हॉर्स है, घोड़ा, जो हम नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में तकरीबन हर रोज़ ही देखने में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं हॉर्स और हम देखते हैं डंकी, हॉर्स और डंकी जो हैं वो देखने में मिलते जुलते लगते हैं, दोनों की चार टांगे हैं, दोनों की शक्लें भी मिलती जुलती लगती हैं। अगर हॉर्स और डंकी दोनों आपस में फर्टिलाइज करें इनके जो गेमीट, यानी फॉर एग्जांपल आप हॉर्स ले लें, आप एक डंकी ले लें और वो दोनों आपस में उनकी मेटिंग करा दें, तो एक नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे हम कहते हैं, वो एक म्यूल बनता है, जिसे हम उर्दू में खच्चर भी कहते हैं। और ये जो म्यूल है ये हम अपने डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट जो वज़न उठाने के लिए आप जिस जानवर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ना तो घोड़ा होता है और ना ही वो गधे की कैटेगरी में आता है, बल्कि वो एक खच्चर होता है, और इसको इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है खच्चर को, कि वो आपका वज़न उठा सके। अब ये जो म्यूल बनता है ये फर्टिलाइज करके नया ऑर्गेनिज्म तो बन गया, लेकिन ये फर्टाइल नहीं है, इसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है। फर्टिलिटी ना होने का मतलब यह है कि म्यूल मज़ीद किसी के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता, म्यूल मज़ीद अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, ओवरऑल डिस्कशन का मतलब यह हुआ कि
हॉर्स और डंकी अलग अलग स्पीशी से बिलोंग करते हैं. हॉर्स जो है वो कोई और स्पीशी है, लेट सपोज इट्स स्पीशी ए, एंड डंकी डंकी जो है वो किसी और स्पीशी से बिलोंग करता है. हम इसको कह देते हैं कि ये स्पीशी बी से बिलोंग कर रहा है. तो ये तो हमने देख लिया कि स्पीशी का क्या मतलब है. स्पीशी हमने कहा ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स या ऐसे स्पीशी इज अ ग्रुप. इसके अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, हम कहते हैं स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स. तो ये हमने आपको समझा दिया कि इस बात का मतलब क्या है. अब अगर जहाँ हम स्पीशी की बात करते हैं, डिफरेंट तरह की जो स्पीशी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी स्पीशी ए और फिर हमने एग्जांपल देखी यहाँ पे स्पीशी बी की, तो दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान कभी भी जीन्स चेंज नहीं होती. इस बात को आप नोट कर लीजिए कि कभी भी दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में जीन एक्सचेंज नहीं होता. इसके बाद हम मजीद आ जाते हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें हैं कि हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो जितने भी अभी तक हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम उनकी कैटेगरीज बनाते जाते हैं. सबसे पहली जो कैटेगरी आती है हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम पुराना क्लासिफिकेशन का मेथड देखें तो हम उनको किंगडम्स में क्लासीफाई कर देते हैं. किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप है आपके पास, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई इस तरह से करते हैं, जैसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम जानते हैं वो या तो वो प्लांट्स होंगे या फिर वो एनिमल्स होंगे. तो इस तरह से हमने दो किंगडम्स बना दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया. फिर इन मजीद ये जो किंगडम्स हैं, हम इनको डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास और छोटी क्लासेस आ जाएं या छोटे ग्रुप्स आ जाएं. उस ग्रुप को हम कहते हैं वो है फाइलम्स, या फिर हम इसे डिवीजन भी कहते हैं. डिवीजन को भी मजीद डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं ताकि हम उससे भी मजीद छोटे लेवल पे आ जाएं, जिसे हम कहते हैं कि वो है हमारे पास क्लासेस. क्लासेस से मजीद हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स को मजीद हम डिवाइड करते हैं तो हम फैमिलीज पे आ जाते हैं, और फैमिलीज से फिर हम आते हैं जीनस, और फिर उसके बाद स्पीशी पे. और स्पीशी हमने कहा था कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा यूनिट है, और इसी से मजीद हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बता सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है. तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने देखा सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस और स्पीशी. इसको हम अगर किसी किसी एग्जाम्पल के साथ देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. लेट सपोज हम कॉर्न की एग्जाम्पल देखते हैं. कॉर्न जो मकई है, जिसे हम अक्सर गर्मियों में खाते भी हैं, भुट्टा भी कहा जाता है इसे कुछ इलाकों में. तो कॉर्न जो है वो बेसिकली, अगर हम उसका किंगडम देखें, हम इसको ज़रा रब कर लेते हैं. कॉर्न को अगर हम किंगडम की बात करें तो कॉर्न हमारे पास प्लांटी के अंदर आता है. ऑब्वियसली ये एक प्लांट है, तो कॉर्न को हम कहते हैं कि वो प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर आता है. फिर प्लांट तो एक बहुत बड़ा किंगडम है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर से वो कौन सा फाइलम या वो कौन से डिवीजन है जिसके अंदर ये जो कॉर्न है ये लाए करता है. कॉर्न को हम पढ़े हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. कॉर्न, मकई जिसे हम कहते हैं, तो मकई की क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे. प्लांटी जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप को मजीद डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास फाइलम बनता है एंथोफाइटा का. एंथोफाइटा, या फिर अगर हम इसको स्टडी करें, हम इसको ट्रैकियोफाइट भी कहते हैं. ट्रैकियोफाइट्स आप ऑलरेडी अपने 10th ग्रेड में पढ़ के आ चुके हैं कि ट्रैकियोफाइटा जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किस तरह के प्लांट्स आते हैं. एंथोफाइटा के बाद हमारे पास मजीद, हम एंथोफाइटा भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम उसको मजीद अगर छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड करें तो जो कॉर्न की जो क्लास है वो होती है हमारे पास एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्मी, और उसके बाद एंजियोस्पर्म जो है वो बेसिकली आपके पास मोनोकोट्स आते हैं. मोनोकोट्स, इनको मजीद हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मोनोकोट्स किस तरह के प्लांट थे. उसके बाद अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं,
कौन के जो ऑर्डर है, पोल्स, उसके बाद हमारे पास फैमिली, अगर हम बात करें फैमिली है हमारे आपके पास, पोएसी, और उसके बाद जीनस जो है जी, और जो स्पीशी है वो मेस। तो ये हमने देख लिया कि हम किस तरह से कॉर्न जो है आपके पास, जो छली या भुट्टा है, नॉर्मली मकई जिसे हम कहते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे। अब अगर हमने कॉर्न को स्टडी करना है तो हमें पता है कि कॉर्न जो है वो प्लांट है, इसी तरह वो एंथोफाइटा ग्रुप के अंदर है, एंजियोस्पर्मी है, और उसका जो ऑर्डर है वो पोल्स है, फैमिली उसकी पोएसी है, जीनस उसका जी है, और स्पीशी मेज है, और इससे हम उसका बायोलॉजिकल नाम भी दे देते हैं। ये जो बायोलॉजिकल नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमारे पास नेमिंग होती है बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल नेम हम किस तरह से देते हैं, पहले हम जीनस और फिर उसके बाद स्पीशी का नेम लिखते हैं। यानी कि अगर हम कॉर्न की बात कर रहे हैं तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, कॉर्न का नेम हो जाएगा जी मेस, सॉरी मेस का एम छोटा लिखेंगे हम, हमारे पास जी एम जो है वो छोटा लिखा जाएगा, नेमिंग इस तरह से आपने देनी है, जी मेस जो है वो हमारे पास कॉर्न का बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम आ जाएगा। अब ये नेमिंग हम इस तरह से क्यों देते हैं, हम कोई और नाम भी तो दे सकते थे जो हमने नहीं दिया, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के अंदर, कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। और यहाँ जैसे मैंने अभी कैपिटल एम लिखा था, लेकिन अब मैंने इसे स्मॉल लिख दिया है, और ये जो हमने एक अजीब सा नाम, मुश्किल सा नाम ले लिया है जी मेज, ये क्या है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने क्यों कहा कि ये बायोलॉजिकल नेम है, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में आपको बताएंगे, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आज सबसे पहले तो हमने वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर को देखा कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को हमने देखा, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जितने भी नॉन हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम एनिमल्स और प्लांट्स को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास तकरीबन 15 लाख एनिमल्स की टाइप्स को हम जानते हैं, इसी तरह हम तकरीबन 5 लाख पौधे हैं, ऐसे पौधों की किस्में हैं जिनको हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन को हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, किस तरह से की जाती है, अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे तो क्या होगा, अगर हम कोई मेथड यूज़ करेंगे जिस तरह से बायोलॉजी के अंदर मेथड को यूज़ किए जाते हैं तो किस तरह से हम डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद हमने सिंपलेस्ट ग्रुप देखा, जो सबसे छोटा और सबसे बेसिक ग्रुप हमारे पास बनता है वो होता है हमारे पास स्पीशी। स्पीशी को हमने डिफाइन किया कि स्पीशी किस तरह से डिफाइन होती है, क्या वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रीली इंटरब्रीट कर सकेंगे, जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकें, वो एक स्पीशी के अंदर आते हैं। हमने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि स्पीशी कैसे कहते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद हमने आपको एक टेक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होता है भाई ये नहीं आपको बताया हमने, टेक्सोनॉमी जो है वो कहते हैं जी हम कैटेगरीज को, अगर हम कैटेगरीज बनाते जा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास किंगडम है, फिर फाइलम है, टेक्सोनॉमी जो है हमने कहा ये क्या है, ये आपके पास कैटेगरीज है। टेक्सोनॉमी का जो वर्ड है वो आपके पास टेक्सा से निकला है, ये जो वर्ड है टेक्सा से निकला है, और टेक्सा आप कह सकते हैं कैटेगरी। तो ये जो हमने कैटेगरीज बनाई है डिफरेंट, आपके पास सबसे पहले किंगडम था, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, तो ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ये टैक्सोनॉमी है। और जब हम एक बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं तो एक हमारे पास हायरार्की बनती जा रही है। हायरार्की का मतलब है कि सबसे ऊपर के लेवल के ऊपर आपके पास एक सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ग्रुप है, उसके बाद आप जो जो नीचे आते जाते हैं आपके पास एक जो हजम है, ओवरऑल वॉल्यूम है, वो कम होता, यानी अगर आप इसकी डायग्राम को बनाएं तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे हमने कहा कि ये आपके पास किंगडम है, और फिर उसके बाद आपके पास फाइलम आएगा,
और फिर इसी तरह से डिवाइड डिवाइड कर करके सबसे निचला जो आपके सबसे आखिर में आपके पास बनेगा वो होगा आपके पास स्पीशी का कॉलम, और स्पीशी में सबसे कम ऑर्गेनिजम्स आएंगे। यानी कि जूँ जूँ आप ऊपर जाते जाते हैं आप मज़ीद जनरलाइज करते जा रहे हैं, और जूँ जूँ आप नीचे आते जाते हैं यहाँ पे आपके पास जनरलाइज ज़्यादा हो रहा है, और जूँ जूँ आप नीचे आते जा रहे हैं आप मोर स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को उसकी ज़्यादा डिटेल स्टडी कर सकते हैं अगर आप आपने एक इस हायरार्की में, ये जो आपको मैंने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बताई है इसमें अगर आप जो जो नीचे जा रहे हैं आप मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं सबसे आखिर में, क्योंकि आपके पास जी मेज आ जाएगा, आपके पास पूरी की पूरी वही स्पीशी आ जाएगी, तो आप ओबियसली उस स्पीशी को ही स्टडी कर रहे होंगे। और जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे आप उसकी फैमिली को, उसकी क्लास को, ऑर्डर को, आप उसके फाइलम को स्टडी कर रहे होंगे, वो मज़ीद जनरलाइज होता जाएगा। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था टैक्सोनॉमी का जो कि देना ज़रूरी था इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल जो नेमिंग कन्फिग्रेशन नेमिंग है आप किस तरह से नेमिंग देते हैं, नेम्स देते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।